नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल ठोक तंत्र। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर संविदा पर बहाल एएनएम स्वास्थ्य कर्मी लगातार आंदोलन कर रही हैं। वो अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर अस्पताल के गेट पर, कभी समरणालय में तो कहीं पटना के सड़कों पर संघर्ष कर रही हैं। उनकी मांग जो 10 सूत्री मांगों को लेकर कि उन्हें समान काम का समान वेतन मिले और फेस अटेंडेंस से मुक्ति मिले। दूर दराज इलाके में वह काम करती हैं, इसलिए उन्हें अलग से यात्रा भत्ता दिया जाए। वहीं हड़ताल में शामिल महिलाओं ने, एएनएम कर्मियों ने बताया कि जहां उनका काम करते हैं वहां पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना वहां पर शौचालय है, ना पेयजल है, कोई मूलभूत सुविधा नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, विशाखा गाइडलाइन, उसका खुल्लम खुल्ला उल्लंघन हो रहा है। इसी के क्रम में विभिन्न जगहों से एएनएम कर्मियों का और प्रदर्शनकारियों का वीडियो आ रहा है और लगातार वह प्रदर्शन कर रही हैं। तो आइए देखते हैं कैसे उनकी मांगे क्या हैं और कैसे वह प्रदर्शन कर रही हैं। हमारी मांगे, शोषण करना बंद करो, हमारा संघ जिंदाबाद, भारत बंद करो, समान काम का समान वेतन देना होगा, हमारी नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक ही सेंटर पर एक ही कर्मी दो तरह के काम करते हैं। जो सरकारी कर्मी हैं उसको 80,000 रुपया दिया जा रहा है, ये लोग के 15,000 दिया जा रहा है। अगर दो चार मिनट भी लेट होते हैं तब इन लोग का अटेंडेंस नहीं बनता है। इसलिए हमारा संगठन जो है इन लोग के मांग के लिए समर्थन कर रहा है। हाँ, और हम लोग फेस अटेंडेंस के विरोध में यहाँ पे प्रदर्शन करने आए हैं, हड़ताल में है। और सरकार का ये जो मंशा है कि एक को वही सेंटर पे एक सेंटर पे एक को 80,000 मिले, एक 15,000 में उसको खटाए, और हम लोग ये इसी के खिलाफ हम लोग खड़े हुए हैं। और कहने का मतलब है कि सरकार हम लोग का जो फेस अटेंडेंस ले रही है 9 से 5, तो उसके लिए हम लोग को जो सेंटर पे मूल सुविधा है वो देना दिया जाए। बिजली, पानी, बैठने का बढ़िया व्यवस्था होना चाहिए। और कहने का मतलब है कि हम लोग को समान कार्य समान वेतन होना चाहिए। और ये फेस अटेंडेंस जो है ना, वो पीएससी के लिए ठीक है, लेकिन जो क्षेत्रीय ड्यूटी है उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि हम लोग आरआई करने जाते हैं, जो पीएससी से सब जितना सेंटर है सब 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर के रेंज में है। और हम लोग को सेंटर पे अटेंडेंस बनाना है, फिर आरआई में जाना है, और ये भी अटेंडेंस 3 बार लगाना है। इसीलिए हम लोग को बहुत असुविधा महसूस हो रही है। जैसे कि हम लोग को कहना कि एसडब्ल्यूसी पे पोस्टिंग दिया गया है, तो एफआरएस के विरुद्ध में हम लोग नारा लगा रहे हैं। तो सरकार से हम लोग को ये कहना है कि हम लोग के अगर जाने में इतना 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, किसी का 15 किलोमीटर दूर सेंटर है, तो ट्रैफिक की वजह से तो लेट तो होगा ही। तो अगर टाइम पे नहीं पहुंचते हैं तो अटेंडेंस हमारा नहीं बन पाएगा। अगर 10 बजे बनाना है, 10:05 पे 10:10 में हम पहुँचते हैं तो वहाँ अटेंडेंस नहीं बनेगा। तो इस हिसाब से हम सरकार को पूछते हैं कि ऐसी नीति हम लोग के ऊपर क्यों लगाया जा रहा है। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, दोहरी नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मंगल पांडे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अगर मांग पूरा नहीं होता है तो फिर आगे की आप लोग की रणनीति क्या है? हम लोग इसी तरह से धरना पे बैठे रहेंगे, काम नहीं करेंगे, काम बाधित होगा, ऑनलाइन काम कुछ भी नहीं करेंगे। सरकार जब तक कि सरकार आया है कि आपके हड़ताल से आंशिक रूप से कार्य बाधित हुआ है, बाधित होना ही और आगे भी जारी रहेगा। कर्मचारियों पर सिर्फ वर्क लोड बढ़ा है, लेकिन आपके जो आंदोलन से कुछ फर्क ज्यादा नहीं पड़ा है, ऐसा मतलब सरकार का मानना है? हम लोग धीरे धीरे सारा काम बंद कर देंगे। पहले तो ऑनलाइन का सारा काम बंद हो ही चुका है। सरकार कह रही है 9 से 5 काम करो, हम 8 ही घंटा काम लेते, उस लाइक पेमेंट करिएगा ना, आपकी नहीं करिएगा। 8 घंटा आप ड्यूटी ले रहे हैं, आप पेमेंट कितना दे रहे हैं? हम लोग कार्ड छाट के 13,200 मिलता है। इसमें बताइए एएनएम कैसे अपना घर चलाएगी, कैसे चलाएगी बताइए? बच्चा का फी देगी कि साग सब्जी लाएगी, क्या करेगी?
और ड्यूटी के नाम पे बोल रहे हैं 10-10 किलोमीटर पैदल जाओ, एकदम पंचुअल हो ड्यूटी, एकदम आपको एकदम 9 बजे अटेंडेंस बना लेना है। अगर आप कभी 9 बजे आपको 10 बजे अटेंडेंस नहीं लगता, आपको परेशानी अटेंडेंस के लेके है कि मतलब वेतन के लेके? हमारी मूलभूत सुविधा चाहिए, वेतन भी चाहिए, क्योंकि हमको साथ में काम करने वाली के एक का वेतन 60-70 हजार है और हमारी वेतन है 10-15 हजार, इसलिए दोहरी नीति नहीं चलेगी। मतलब आपका मुद्दा वेतन है? हाँ। एक सेंटर पे 2 NM है, जो जिसको एक रेगुलर NM है उनको 80-90 हजार पेमेंट मिल रहा है, वही हम लोग सेम काम कर रहे हैं और उसके लिए हम लोग को 13-15 हजार मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि इससे हम लोग के अंदर हीन भावना आ रहा है और हम लोग काम हम लोग हाँ उन लोग को भी FRS में लाया जाए, सिर्फ NHM के लिए होना है। मतलब दोहरी नीति अपनाई जा रही है। NHM पर इतना जुर्म क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जब समान काम कर रहे हैं तो समान वेतन चाहिए। कि मैं एक CHO हूं और मैं HWC नवादा में, जो हसपुरा ब्लॉक के अंतर्गत आता है, वहां पे कार्यरत हूं। ये जो धरना प्रदर्शन किया गया है, इसमें हम लोगों के साथ एक ऐसा दोहरी नीति को अपनाया गया है। जैसे मिसाल के तौर पर देखा जाए कि वहीं एक परमानेंट स्टाफ जो वर्क कर रहा है उनको पेमेंट जो है वो 80 हजार तक दिया जा रहा है, और यहीं पे हम लोग जो काम करते हैं उनको 15 हजार और 20 हजार के पेमेंट पे खटाया जाता है, जो कि एक पूरी तरह से ये सरकार की दोहरी नीति है। तो हम लोगों का कहना है कि अगर आपको वर्क लेना है, सेम वर्क हम लोग भी कर रहे हैं, सेम वर्क उन लोग भी कर रहे हैं, तो दोनों को समान वेतन पे खटाया जाए, ना कि ऐसा हो कि आपको छुट्टियां भी ज़्यादा मिले, आपको वेतन भी ज़्यादा मिले और सब कुछ सुविधाएं आपको ज़्यादा मिले और हम लोगों को जो सुविधाएं भी हैं वो भी कम मिलती हैं और पेमेंट भी है, छुट्टी भी है, उस सब कुछ कम दिया जाता है, और लेकिन वर्क जो है हम लोगों का ऑनलाइन हो गया, ऑफलाइन हो गया, सब कुछ उससे उन लोगों से ज़्यादा या उन लोगों के बराबर ही कराया जाता है। दूसरी चीज़ है कि HWC पे मूलभूत सुविधाएं जो है वो बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर है। हम लोग करकट वाले मकान में, किराए के मकान में HWC जो चलती है उसमें जा करके हम लोग अपनी ड्यूटी करते हैं, तो यहाँ तक कहिए कि एक बिजली नहीं है, पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, लेडीज़ लोग बहुत दूर दूर से आती हैं, यातायात का साधन तक नहीं है। जिस गांव सुदूरवर्ती गांव में जा करके हम लोग ड्यूटी जहां पे करते हैं, वहां पे अच्छी सड़कें नहीं हैं जहां पे हम लोग जा करके काम करते हैं। अगर 5 बजे के बाद अगर हम लोगों से अटेंडेंस मांगा जाता है, तो अगर वहां पे लेडीज़ 5 बजे तक HWC पे कार्यरत रहेंगी, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि 5 बजे के बाद ना कोई वहाँ से कोई ऑटो चलती है और ना ही कोई ऐसा साधन है जो हम लोग वहाँ से वापस आ सकते हैं। तो 5 बजे अटेंडेंस बनाने के बाद हम लोग कैसे वहाँ से आए? मैं राकेश कुमार सिंह, प्रमंडल मंत्री, बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हसपुरा में NHM कर्मियों के 10 सूत्री मांगों को लेकर जो कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम है उसमें हम उपस्थित हुए हैं। यह मांग जो है हमारा जायज है। हमारे एक ही छत के नीचे दोहरी नीति, एक समान काम समान वेतन, जिसमें एक कर्मी जो है 8,000, 11,000, 16,000, 20,000 पाते हैं और एक कर्मी जो है 80,000 लाख रुपया का वेतन है। एक ही छत के नीचे दो तरह के लोग कार्य करते हैं, एक संविदा पे कार्यरत हैं और एक जो हमारे अस्थाई कर्मी हैं। जो अस्थाई कर्मी हैं उनको तत्काल प्रभाव से उनको सरकार जो है उनको अस्थाई कर्मी का दर्जा दे, और FRS जो आया है उसका हम विरोध करते हैं, इसलिए कि अभाव के कारण FRS अटेंडेंस बनाना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन हमारे भूतलक्षी प्रभाव से हमारा है कि जितने भी सब सेंटर पर है हमारे बहनों को रहने के लिए आवासीय का व्यवस्था करो, शौचालय का व्यवस्था करो, बिजली की व्यवस्था करो, सुरक्षा की गारंटी करो, वाईफाई की गारंटी करो, इनकी जितने भी सुविधाएं हैं उसको दो। 4 माह से जो बकाया लंबित वेतन हमारे NHM कर्मियों का है उसको अविलंब भुगतान करो, और भी कई मुद्दे हमारे जो है 10 सूत्री मांग है और उसी को लेकर आज इनको समर्थन में हम बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रमंडल मंत्री हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो अभी आपने देखा पूरे बिहार में NHM है जो संविदा पे बहाल है, अन्य कर्मी हड़ताल पर हैं और इनकी जो मांग है समान काम का समान वेतन और
मांग यह है कि इनके जो कार्यस्थल हैं उस कार्यस्थल पर मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए। हम दर्शकों को याद दिलाना चाहते हैं ऑपरेशन विशाखा गाइडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि जहां पर महिला कर्मचारी काम करती हैं वहां पर उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे जो खास परेशानी उनके साथ जो होती है जो उनका नेचुरल जो चीज़ है जो नेचुरल कॉल है उसको पूरा करने के लिए, तो विशाखा गाइडलाइन के अनुसार किसी भी कार्यस्थल वो सरकारी हो या प्राइवेट हो वहां पर पेयजल और उनके लिए अलग शौचालय बाथरूम की व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। तो एक तरीके से सरकार जैसा ये बता रही है विशाखा गाइडलाइन का उल्लंघन कर रही है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन है, और सरकार से इनकी यह मांग है कि पूरी गाइड विशाखा गाइडलाइन को भी पूरा किया जाए और अपनी मांगों को प्रमुखता से आगे रख रही हैं। और इनकी मांगों को जानने के लिए हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, लगातार हम कई जगहों से इनकी जो धरना प्रदर्शन है इनका जो विरोध प्रदर्शन है आपको हम बताते चले आ रहे हैं। तो आप वीडियो में बने रहिएगा और जानकारी के लिए इनको समर्थन के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि इनका जो मांग है सही है कि नहीं है। इसी तरह से और नए रिपोर्ट हम पहुँचाते रहेंगे। मैं आपका होस्ट अभय कुमार, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।